नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर स्थल में गर्भगृह से पहले बड़ी सी घंटी लगी होती है और लोग भगवान के दर्शन करने से पहले घंटी बजाते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? मंदिर में घंटी बजाने से क्या लाभ होता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको बता दें, घंटी लगाने की ये परंपरा कोई आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से प्रचलन में है, जिसके अनुसार सनातन धर्म से जुड़े लगभग धार्मिक स्थलों पर इसे पाया जाता है। दरअसल इसे लगाने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि घंटी को बजाने से मंदिर में विराजित देवी देवताओं की प्रतिमाओं में चेतना जागृत हो जाती है, जिसके बाद की गई उनकी पूजा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि घंटी की मनमोहकर एवं कर्णप्रिय ध्वनि जातक के मन मस्तिष्क को अध्यात्म की ओर ले जाने की शक्ति रखती है। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। जय श्री सीताराम। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दिनेश कुमार आज आपके सामने घंटी बजाने का विशेष महत्व बताने आया हूं। आप सभी लोगों ने देखा होगा और करते भी होंगे कि मंदिर में जाएं तो बड़ा सा घड़ियाल, वहां पर घंटी टंगी होती है, जिसको हर वक्त अंदर प्रवेश करते वक्त घंटी बजाता है, और घर में भी हम आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं। क्या कारण है कि घंटी का इतना महत्व है, उसके बारे में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारियां देने आया हूं। शास्त्र की माने, अगर वेदों की माने, तो घंटी बजाने की जो प्रथा है, जो उत्पत्ति है, वो नाद शब्द से उत्पन्न हुई है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में जब नाद को ठीक से हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं ने सुना, तो उसकी आवाज भी जो है ना, घंटी जैसे गूंजती है वैसी उसकी ध्वनि महसूस होती थी, इसीलिए घंटी बजाने की प्रथा शुरू हुई। घंटी, ताली या कि और बहुत सारी चीजें, घड़ियाल, अलग अलग तरह से लोग शंख बजाते हैं, तो घंटी बजाने के पीछे यही विशेष कारण है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा भी हुआ है, हर पूजन के वक्त भगवान को घंटी कब कब बजानी चाहिए? जब आप भगवान की आरती करते हैं तो घंटी आवश्यक रूप से बजानी चाहिए। आप भगवान को धूप दीप दिखाते हैं तो घंटी अवश्य रूप से बजानी चाहिए। आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भी घंटी जरूर बजानी चाहिए। और अगर भगवान का पूजा अभिषेक चल रहा हो तो घंटी बजानी चाहिए। खास करके ऐसी मान्यता है कि घंटी बजाने से सभी देवताओं का एक साथ में आगमन हो जाता है। आप लोगों ने कथा भी सुनी हुई है कि भगवान कृष्ण बचपन में, अपने बाल्यकाल में माखन की चोरी करते थे, और वो मक्खन अपने दोस्तों को, सभी को खिलाते थे। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक सखी के घर, एक गोपी के घर मक्खन चुराने के लिए गए, और सभी लोग बड़े आराम से शांति के साथ चोरी करने की योजना बना ही रहे थे। तो श्री दामा जी की नजर एक घंटी पर पड़ी। श्री दामा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु, यह घंटी लगी हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम अपना काम करो। और श्री भगवान श्री कृष्ण घंटी के पास में जा करके कहा कि देखो, तुम बजना मत। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार घंटी बजी नहीं। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, बंदरों को खिलाया, घंटी बजी नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने माखन उठा करके अपने मुख में डाला तो घंटी बज गई, और गोपी आ करके भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। तो ये सब कथाएं आपने सुनी होगी। ऐसे माने जाता है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि आगमनार्थान्तु देवानां निगमनार्थान्तु राक्षसां घंटानादां प्रकुरु वेद पश्चात घंटां प्रपूजयेत। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है, और निगमनार्थान्तु राक्षसां, बुरी शक्तियां, नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं, इसीलिए घंटी बजाने की बहुत पुरानी प्रथा है। भक्त प्रहलाद ने भी भगवान की आराधना की तो
तो कीर्तन के साथ में वो इस तरह से तालियां बजा रहे थे, तो ताली घंटी या शंख ये सब बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि आरती के समय पर सुबह शाम मंदिरों में पंडित जी घंटी बजाते हैं और लयबद्ध तरीके से भगवान की आरती और कीर्तन करते हैं, तो घंटी बजाने से वातावरण में एक पॉजिटिव शक्ति क्रिएट होती है और फिर वो वायुमंडल से होकर के सारी तरफ चारों तरफ बिखर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। इसलिए सभी को घंटी अवश्य में बजाना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण हैं घंटी बजाने के पीछे, तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि घंटी बजाने का क्या पुण्य है, क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या धार्मिक कारण है। दरअसल हमारे ऋषि मुनि बहुत ही सुलझे हुए थे, वो इतने वैज्ञानिक थे कि हर चीज जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी होती थी उसको वो धर्म से जोड़ देते थे, जिससे कि व्यक्ति रोज उसको जीवन में उतारे और वो सुखी जीवन व्यतीत करे, आरोग्यता का जीवन व्यतीत करे। इसीलिए हर शब्द में, हर क्रिया में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है। तो धार्मिक कारण को वैज्ञानिक कारण से देखने का ये तरीका है, जैसे कि आपको पीपल में जल चढ़ाने से भगवान मिले या ना मिले, लेकिन आपको शुद्ध ऑक्सीजन जरूर मिल जाएगी। गौ माता की सेवा करने से आपको भगवान प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य में अनुभूत लाभ होगा। इसी तरह से घंटी बजाने का भी ये विशेष कारण है कि घंटी बजाने से एक तो भगवान के सामने आपकी हाजिरी लग जाती है, देवताओं का आगमन हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के विषैले जीव जंतु दूर भाग जाते हैं। ये घंटी बजाने का विशेष प्रयोजन है और इसीलिए सभी को अपने घर में घंटी और शंख अवश्य बजाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।